गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज नया दिन, नई शुरुआत। आज शाम से जो है वो सखा के पाठशाला का पहला सेशन शुरू होने जा रहा है और इसके बाद हो सकता है कि मैं आप लोगों को लाइव कभी कभी ही दिखूं। कुछ बातें हैं जिनको कहना चाहता हूं। कल शाम को मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें जहां इस समय हम लोग हैं, सखा परिवार हमारा है, तो उन्हें दिखाया था, तो कुछ उस पर प्रश्न आए। अच्छे प्रश्न हैं, जिन लोगों ने किए उनकी सोच भी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसका उन्हें पता नहीं है, तो मुझे लगा कि वो बात थोड़ी सी की जाए। प्रश्न ये आया था कि स्वामी जी, आप शोबाजी क्यों करते हैं, क्या जरूरत है कुछ दिखाने की घर, या अगर ये किसी को जलाने के लिए है तो क्यों है, या जो भी है ये क्यों है। जिन्होंने भी वो प्रश्न पूछा है, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके अंदर वो प्रश्न चलता होगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ अपना घर ही कहां दिखाया, मैंने तो अपनी जिंदगी भी दिखाई है। और सच कहें तो मेरे पास दिखाने को मेरी जिंदगी के अलावा है भी क्या। लोग चाहते हैं कि मैं बुद्ध की बात करूं, महावीर की बात करूं, परमात्मा की बात करूं, लेकिन मैंने तो परमात्मा को कहीं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं देखा, महसूस किया है अपने जीवन में हो रहे बदलावों से, महसूस किया है उसके दिए गए हौसलों से, महसूस किया है उसके आशीर्वाद से, और साथ साथ कभी कभी दिए गए पनिशमेंट से भी मैंने महसूस किया है। लेकिन अगर मैं अपने एहसासों को दिखाना चाहूं, मैंने जो महसूस किया उसे आपको कैसे दिखा सकता हूं। एक ही ढंग है, वो ढंग यह है कि मैं आपके अंदर वो आंख पैदा कर पाऊं जिस आंख से आप उसे भी देख सकें। वो आपके जीवन में भी है उतना ही जितना मेरे जीवन में, लेकिन वो आंख पैदा कैसे होगी, वो आंख पैदा क्यों नहीं होती लोगों के अंदर, उसका एक बड़ा कारण है। उसका बड़ा कारण है कि जिंदगी को खंड खंड करके देखने का नजरिया। सारे ही लोग मैंने देखा, और एक जमाना था मैं खुद वैसा था कि जिंदगी को खंड खंड करके देखता था। अच्छा अच्छा तो परमात्मा ने किया, बुरा बुरा इंसानों ने, तो सारा खंड खंड करके देखने के कारण दृष्टि पूर्ण रूपेण देख नहीं पाती थी। लेकिन एक वक्त आया जब अपने साथ जुड़ा, मौन में बैठा, शांत हुआ, अपने अंदर से वो प्रश्न गिराए जो दुनिया ने दिए थे, और वो प्रश्न उठाए जो कि वाकई मेरे जीवन से जुड़े हुए थे, तो फिर परमात्मा से संवाद होने लगा। वो संवाद धीरे धीरे इतना गहन हो गया कि मुझे अपने जीवन में किसी भी कृत्य में ऐसा नहीं नजर आता कि उसका हाथ ना हो। लेकिन ये बात अगर मैं आपको कहूं तो आप मानोगे नहीं, बातों से तो नहीं मानोगे, क्योंकि आजकल जो जीने का ढंग है वो बड़ा मेटालिजिस्टिक है, पदार्थवादी। वो पदार्थवादी ढंग एक ऐसा ढंग हो गया है कि जब तक पदार्थ का जीवन में आगमन ना हो, पदार्थ का भोग ना हो, हमें ऐसा लगता है कि जीवन जिया ही नहीं। सच्चाई की राह पे चलने की जब मैं लोगों से बात करता हूं
तो मैं देखता हूं कि सच्चाई की राह पे चलने में सबसे बड़ी अड़चन आती है कि उन्हें लगता है कुछ पदार्थ छूट जाएगा, कुछ लोग छूट जाएंगे, रिश्ते नाते छूट जाएंगे, कुछ सुविधाओं की कमी हो जाएगी, भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी चली जाएगी, तो ये सारी चीजें उनको डराती हैं। बहुत से दुनिया में संत हुए, बहुत से अपने अपने तरीके के मैसेज देखे गए, लेकिन एक मैसेज कॉमन था और वो मैसेज था उनकी जिंदगी, वो उन्होंने खोल के रखी। कृष्ण को देखो, दुनिया में कितने ऐसे कृष्ण पे चर्चा करने वाले लोग मिल जाएंगे तुमको जो कृष्ण के किसी एक स्वरूप को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण ने अपने जीवन में अगर बांसुरी दिखाई तो सुदर्शन भी दिखाया, अगर द्रौपदी की लाश ढकी तो कितनी गोपियों के वस्त्र हरण किए, अगर वो कौरवों को बताते रहे कि सत्य का साथ दो तो उन्हीं कौरवों की हत्या के लिए झूठ का सहारा भी लिया, और ये तुमसे छुपाया नहीं गया, क्योंकि जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे वो कृष्ण कह सकते थे ये हिस्सा काट देना, नहीं काटा गया। उन्होंने तुम्हें बताया कि कुरुक्षेत्र के बीच में किस तरीके से अर्जुन जो है वो संदेह में पड़ जाता है, तो कृष्ण उसे क्या दिखाते हैं? कृष्ण उसे अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। विराट स्वरूप क्या है? तुम अगर देखो तो तुम्हें लगा होगा विराट स्वरूप वो जैसे एक सीरियल में दिखाया जाता है कि एक बड़े हो जाते हैं, कद के मुंह खोलते हैं, उसमें से जीवन भी मृत्यु भी सबके चित्र निकल रहे हैं, ना ना दिस ये विराट स्वरूप नहीं है। विराट स्वरूप तो पूरा जीवन है, मां की कोख से निकलने से लेके और परमात्मा को अंगीकार करने तक, मृत्युशैया तक, ये विराट स्वरूप है। तो कृष्ण ने उस समय जब विराट स्वरूप उसे अर्जुन को दिखाया होगा तो अर्जुन जो दूर से समझता होगा कि आप तो संत हैं, आप तो महान हैं, आप तो भगवान हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, तो कृष्ण ने बताया होगा मुझे भी फर्क पड़ा, जिस माँ के साथ मैं जिया उसको छोड़ के आया, जिस राधा के साथ गीत गाता था कुरुक्षेत्र का वचन निभाने के लिए उस राधा को भी नहीं पूछा, ये बताया होगा, जीवन के उन पहलुओं से परिचित कराया होगा जो अर्जुन ने नहीं देखे होंगे, यह है विराट स्वरूप। और कृष्ण ने किया कि बात नहीं है, कबीर ने भी यही किया, उनकी पत्नी नाराज होती थी, लोगों को भोजन नहीं देती थी, बताया विराट स्वरूप जीवन के अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो विराट स्वरूप देख पाते हैं, सब देख नहीं पाते हैं, सबके अंदर ये क्षमता नहीं होती देखने की, क्योंकि आप मेरी पोस्टें देखते हो तो उस पोस्टों में मेरे गीत होते हैं, लेकिन सभी गीत तो तुम नहीं सुन पाते, कुछ गीतों के साथ मेरे आंसू होते हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं देते, तो फिर इसलिए पूरे जीवन को खोल के रखना पड़ता है, पूरे जीवन को, अच्छा है बुरा है, सेक्स है हुक्का है, उसके साथ प्लेजर है, सब कुछ रखना पड़ता है। हमने आपको घर दिखाया, आपने प्रश्न किया, हमने आपको आश्रम से निकलते बच्चे दिखाए तो आपने प्रश्न ही किया, करना चाहिए था ये क्यों दिखा रहे हैं? सब कुछ दिखाऊंगा मैं, ये भी दिखाऊंगा कि जीवन में कहां कहां पीड़ाएं आती हैं, कहां कहां लोगों का साथ छूटता है, और ये भी दिखाऊंगा कहां कहां परमात्मा किन्हीं का स्वरूप रख के जीवन में आके सहयोगी बन जाता है। देखो मेरी जिंदगी को देखो और इसका फायदा होगा, मेरी जिंदगी को देख के तुम्हारे उस पदार्थवादी मन के अंदर एक हौसला आएगा कि थोड़ा सा आत्मवादी होके भी जिया जा सकता है। आत्मवादी हो जाने से पदार्थ छिन जाता है, ऐसी एक बहुत लोगों को
चीजें डराती हैं। मैं तुमसे कहता हूं 21वीं सदी है, परमात्मा ने अपना स्वरूप बदल लिया। अब परमात्मा फकीरी को ही रिस्पांस नहीं देता, अब परमात्मा ने एक नए तरीके की ट्रिक अपनाई है। और वो ट्रिक मैं समझता हूं कृष्ण ने बहुत सालों पहले कह दी थी। वो ट्रिक कह दी थी कि तू मेरे राह पे आके तो देख, मैं तेरा जीवन न बना दूं तो कहना, तू मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के तो देख, मैं तुझे सम्राट ना बना दूं तो कहना। कृष्ण उसकी उद्घोषणा कर गए थे, मैं तुमसे कहता हूं मेरा जीवन देखो। गिराएंगे लोग, हर बार गिराएंगे, और जितनी बार गिराएंगे वो लगभग वैसा ही होगा जैसे जीसस को सूली देना, लेकिन सूली देके जीसस को मार पाए कि जिंदा कर गए। मुझे देखो, बहुत सूलियां हुई, एक दो नहीं, बहुत सूलियां हैं। मेरे जीवन में कुछ सूलियों की कमी नहीं, कभी अपनों के हाथों, कभी पराओं के हाथों, कभी उनके हाथों जिनकी जीवन का मैं हिस्सा रहा, और कभी उनके हाथों जो मुझे जानते भी नहीं। बहुत सूलियां ली हैं मैंने, लेकिन हर सूली के बाद परमात्मा आया और एक हार पहना गया। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है, पूरी बात करूंगा, लेकिन पूरी बात मैं अब उन लोगों से करना चाहता हूं जो थोड़े से भीड़ से निकल के इस परिवार का हिस्सा हुए, सखा की पाठशाला के माध्यम से हुए, किसी और तरीके से हुए, मैं उनसे बात करूंगा। सच बात तो यह है कि मैंने जो दुकान सजाई है उस दुकान में बहुत तरीके के ग्राहक आते हैं, लेकिन थोड़े से ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो दिया लेने आते हैं। दिया जलता हुआ नहीं, जो दिया अभी खाली है और जिसको उन्हें जलाना है, जिसमें अपने प्राणों की आहुति देनी है, ऐसे कुछ थोड़े से लोग निकल के आते हैं, तो उनको मैं दुकान के पीछे ले आता हूं। बाकी तो सब दुकान है, पूरी दुकान सजाई है, हर आदमी के लिए सजाई है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है मैंने, लेकिन थोड़े से लोग जो उस दिए पे निगाह डालते हैं, जो उनके अंदर का दिया है और एक छोटी सी आस मुझसे कि मैं उनके दिए को जलने में सहयोग करूं, जो ऐसे लोग दिखते हैं उन्हें निश्चित दुकान के पीछे ले आता हूं, उनकी दुकानें छोड़वा के। क्योंकि अपनी दुकान तुम छोड़ ना पाए तो क्या कल को तुम डिपार्टमेंटल स्टोर खोल पाओ? अपनी छोटी छोटी चाहतों से तुम्हें प्रेम रहा तो क्या तुम परमात्मा के प्रेम में पड़ोगे? लेकिन ये सब साहस तुम्हें मेरे जीवन को देख के आ सकता है। हां, संदेह भी आ सकते हैं, तो करो, खूब संदेह करो, जितने हो सके संदेह करो। मैं तुम्हें संदेहों के जवाब अपने जीवन से दूंगा। लोग मुझसे पूछेंगे परमात्मा कहां है, तो मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि मैं भी आंख बंद करके बैठूंगा, मेरे चेहरे पे देखो। मैं उनसे नहीं कहूंगा कि देखो मेरी वाणी कितनी मधुर है, बल्कि मैं उन्हें दिखाऊंगा कि देखो कब कब किस किस तरीके से किन किन हाथों के माध्यम से वो मुझे उठा के कृष्ण के उस दिए हुए वचन को पूरा करता है। विश्वास मानना, मैं सिर्फ उसकी चाकरी करता हूं, और दुनिया में सबसे ऊंची पोस्ट राष्ट्रपतियों की होती है चाकरी की, लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा पेमेंट लेता हूं। मेरी चाकरी के बदले में मुझे परमात्मा जो देता है, तुम पूरी जिंदगी पदार्थ के प्रेम में पड़ के, प्रयास करके, छल कपट करके, दुनिया भर के आपाधापियां करके,
तुम जो कुछ भी पा पाते हो, जो कुछ भी परमात्मा की चाकरी में, मुझे उससे ज्यादा नसीब है। प्रणाम।